नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। अपने बयानों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा शहडोल दौरे पर हैं। कंप्यूटर बाबा इन दिनों गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत चित्रकूट से 26 सितंबर से हुई है, जो 10 अक्टूबर को उज्जैन में खत्म होगी। साधु संतों के साथ अपनी यात्रा लेकर शहडोल पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गौ माता बचाओ यात्रा को लेकर शहडोल पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप को सनातन धर्म की सरकार कहती है, लेकिन उनके राज्य में गौ माता सड़कों पर तड़प तड़प कर मर रही हैं। जब गौ माता सड़कों पर हैं, तो सनातन धर्म भी सड़कों पर ही है। इसलिए अब संत समाज भी गौ माता बचाओ यात्रा को लेकर निकला हुआ है। कंप्यूटर बाबा ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार खुद गौ रक्षक बता रही है, लेकिन सड़क में गौ माता तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। इसलिए अब संतों ने गौ माता बचाओ यात्रा निकाली है। इस यात्रा के माध्यम से गौ रक्षा के साथ साथ जनता तक सरकार का असली चेहरा भी बताना है। आइए सुनते हैं कंप्यूटर बाबा को उनका क्या कुछ कहना है। गौ माता बचाओ यात्रा को लेकर हम लोग निकले हुए हैं। आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता के बेहाल हैं, तड़प तड़प के मरने को गौ माता मजबूर हैं, और मध्य प्रदेश सरकार चुप बैठी हुई है, उनके कान में जू भी नहीं निक रहे हैं। इसलिए संत समाज आज सड़कों पर उतरा हुआ है कि सनातन धर्म की बात करने वाले अब वो कहाँ चले गए हैं, और गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है, इसलिए गौ माता यात्रा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ये चुनाव के समय ही यात्रा निकाल रहे हैं आप? तो हम लोगों ने देखा, बीच बीच में बराबर हम इंट करते रहे, हम लोग अनशन आंदोलन करते रहे, पर इसके बाद भी जब मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सरकार ने नहीं सुना तो फिर क्या करें? इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं था, क्योंकि साड़ी की योजना, जूता चप्पल की योजना, डब्बा की योजना, छत्ता की योजना, सारी योजनाएँ लाए, पर गौ माता के लिए कोई योजना नहीं लाए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब माता जी के लिए कोई योजना नहीं आएगी, तो गौ माता के लिए अब गौ माता बचाओ यात्रा ही निकालना पड़ेगा।